तुम हमारी सगी बहन नहीं हो, तुम्हें अडॉप्ट किया है। क्या? क्या? तो हे गाइस, दिस इज सैम द ऑफिशियल विद साकिब के व्लॉग्स। और इसे जानते ही हो, ठीक है, ये मेरा छोटा भाई है और ये भी मेरा छोटा भाई, दोनों मेरे छोटा भाई, ये है अल्तमश, ठीक है, ये साकिब। तो गाइस, आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्यों मज़ा आने वाला है? क्योंकि आज हम प्रैंक करने वाले उमंग के ऊपर, जिसका चैनल है उमंग का जहान, आप लोग जानते हो, बहुत अच्छी तरीके, जो नहीं जानते तो अभी आ रही देख लेना, ठीक है। तो साकिब, तेरे को सारी चीज़ें पता है क्या करना है क्या नहीं? बहुत मज़ा आने वाला है। मैं सोचूं बता दूं क्या? अभी मत बता भाई, बता देना, क्योंकि सस्पेंस ख़राब हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है वीडियो के अंदर, जो ना बने रहना, ठीक है। तो भाई जल्दी से काम करते हैं। साकिब जाओ, तू जाओ और परेशान करना तू इसे करके, ठीक है, ठीक है, जल्दी जाओ। मैं तो ऐसे भाई, साकिब तो पहुँच गया, देखते क्या होता है। अब ना लग जा तू भी किसी काम में। क्या हो गया? लड़ते रहे तो तुम जोड़ो, कुत्ते बिल्लियों की तरह है, और कुछ काम नहीं है भाई। नहीं नहीं, पानी पीना है तेरे को, पहले पूछ लो उससे। पानी पीना है, पानी लेके आओ। क्यों परेशान करता है इसे? अबे यार, तेरे को पता है सारी चीजें, ठीक है। अब तू सगा है, ठीक है, वो अडॉप्ट की हुई है। क्या बोला तूने? वो अडॉप्ट की हुई है, तेरे को सारी चीजें मालूम हो, तू फिर भी ऐसी हरकतें कर रहा है। खाली पीरी खाली एक लोती तो है वो, और वो भी अडॉप्ट कर रखा है हमने, दिक्कत हो जाएगी यार। तू मत करा कर ऐसी हरकतें, वैसे मैं पापा उसके साथ सही से व्यवहार नहीं करते, और तू और सारी चीज़ें तुझे मालूम है, फिर भी तू ऐसी हरकतें कर रहा है। तू तो समझदार है ना, समझा कर चीज़ों को, एडोप की हुई है वो। क्या बोला भाई तुमने? कुछ नहीं। नहीं क्या बोला तुमने? कुछ मैं साकिब को समझा रहा था। मैं क्या समझा रहा था? तुमने बोला है अभी एडोप की हुई है, कौन एडोप किया हुआ है? अरे यार, प्रीमियर प्रो की बात चल रही थी, एडोप का सॉफ्टवेयर है वो, फोटोशॉप प्रीमियर प्रो, उसके बारे में बता रहा था, एडिटिंग उससे करनी है। अच्छा, चलो लो पानी। हाँ यार, खाली पी ली, बता दूंगा। उमा मैं एक मिनट रुको, मुझसे कुछ बात करनी है। इधर आओ, क्या बात करनी है? इधर आओ, इधर आके बैठो। मैं सोच रहा बता दूँ ना, आज नहीं तो कल तो पता लगनी है ना। क्या बात है, बोलो। यार देखो, बात दरअसल ऐसी है कि चलो छोड़ो, दिक्कत हो जाएगी ना। दिक्कत हो जाएगी, क्या बात है, बोलो बोलो भाई, तुम बताओ, उन दोनों को छोड़ो, तुम बताओ क्या बात है। अरे यार, तुम पता नहीं सुन करके कैसा रिएक्ट करो कैसा नहीं, क्या हुआ है, नहीं क्या लग रहा है? पता नहीं क्या लग रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा आजकल क्या लग रहा है। सर्दी में जुकाम, जुकाम में सर्दी, समझ में नहीं आ रहा क्या लग रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ, देख जैसे कि पापा ने तो मना करा ही था,
लेकिन अब टाइम आ चुका है साकिब, मुझे लग रहा बता दूँ क्या भाई। देखो मैम ऐसा है कि तुम्हें मालूम है हमारे ख़ानदान में लड़के ही लड़के हैं, ठीक है, दादा के लड़के हैं, ठीक है, हमारे पापा ही हुआ वो, तो ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? चाचा के लड़के, तो लड़के हैं तो मैं क्या, मामा के लड़के, ताऊ के लड़के, सुनो तो सही पूरा, हाँ। मामा के लड़के जितने भी रिश्ते सब क्या लड़के लड़के हैं, मुश्किल से एक आधी लड़की होगी किसी के यहाँ, ठीक है। तो तुमको मालूम है ज़्यादातर हमारे लड़के लड़के हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है क्या नहीं, लेकिन फिर देखो तुमको बता दूँ तुम हमारी सगी बहन नहीं हो, तुम्हें अडॉप्ट किया है मैंने। क्या? तुम्हें अडॉप्ट किया है मैंने। क्या? देखो हाइपर मत हो, मैं पहले ही बोल रहा था कि तुम पता नहीं कैसे रिएक्शन करो, कैसे नहीं, नीचे बैठो, झूठ बोल रहा हूँ, तुम पागल वागल हो क्या? मैं झूठ क्यों बोलूंगा भाई, मुझे पैसे ऐसे मिल रहे हैं क्या? मजाक मत करो भाई, ठीक है, बेकार की बातें कर रहे हो, अडॉप्ट किया हुआ है तो लोग कुछ भी, मेरा कुछ भी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सागर से पूछ लो, अल्तम से पूछ लो, बताना ही चाहिए था भाई। अभी मैं तुमको बताता रहा हूँ सारी चीज़ें, तुम्हारी समझ में कहाँ आ रही है, तुम्हें मजाक लग रही होंगी लेकिन नहीं ना। एक बात बताओ, घर में तुम्हारे साथ भेदभाव क्यों होता है, सारे काम तुमसे ही क्यों कराए जाते हैं, हमसे कोई बोला था किसी काम के लिए? लड़की हूँ मैं, हाँ, इसलिए लड़कियाँ घर का काम भी करती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो चीज़ तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन दूसरी चीज़ ये बताओ कि हमारे लड़के लड़के हैं, ठीक है, पापा ही तुम्हारे पर चिल्लाते हैं, तुम्हारी गलती होती है तब भी तुम पिटती हो, नहीं होती तो भी तुम्हें सुननी पड़ती है, है नहीं ऐसा? अभी याद है तुम लोग कुछ दिन पहले रामपुर गए हुए थे, तो एक बार मैं जो है मैं ऑफिस से आया था, ऑफिस आने के बाद जो है पापा मम्मी से बात कर रहे थे कि इसकी शादी करनी है, ऐसा है वैसा है, फालतू में तूने अडॉप ले लिया, ये खर्चा हो जाएगा, वो खर्चा हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या, तो मैंने सुनी सारी बात। जब फ़ोन कट हुआ तो मैंने पापा से बोला, मैंने पापा क्या अडॉप की बात चल रही है, क्या कुछ नहीं, मैंने कहा, जब मैंने फोर्स किया मैंने कहा नहीं पापा बताओ मुझे जानना है क्या हुआ, मैं तुम्हारा सौतेला बेटा हूँ क्या, क्या दिक्कत है क्या नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर मैंने जब फोर्स किया बताओ पापा बताओ, पापा ने बताया देख बेटा सुन बोलियो मत उसे कभी, ठीक है, मैंने क्या हुआ बताओ, तो पापा कहते हैं कि ठीक है पता हमारे सामने से पढ़ के लेते हैं, तो तेरी मम्मी को जो है बेटी बहुत पसंद थी, कि ख्वाहिश थी उनकी कि बेटी हमारी बेटी हो, ठीक है, लेकिन लड़के लड़के हुए तो हमने इसे हॉस्पिटल से अडॉप्ट किया था। बेकार की बात मत करो, ठीक है ना, नहीं मैं भूल गया सॉरी, मत करो ठीक है ना, कूड़े खट्टे से उठाया था तुमको। मक्खिया बिन बनाई थी तुम्हारे ऊपर, हाँ पापा बता रहे थे, हाँ सही में हम तीन भाई का एक खून है, तुम अलग हो, अलग कैसे हो तुम, तुम इतनी काली हो और हम गोरे इतने, अरे जाओ यहाँ से कल्लो, ओ मेरी कल्लो कल्लो बात भाई। देखो अगर अडॉप्ट की भी होती ना तो तुम्हारा और मेरा फेस कट एक ही होता, ठीक है, तो फेस का चारों दिन भाई सेम लगते हैं। अरे एक बात बताओ, लड़कियां ऐसे करके सेल्फी लेती हैं बकरियों की तरह लगती हैं, तो क्या बकरियों से उनके बहन भाई का रिश्ता हो जाएगा क्या? कुछ भी एक बात बताओ, हम सबका खून जो है तुम्हें पता है 9th क्लास में टेस्ट हुआ था, ठीक है, सबका ए पॉजिटिव है, तुम्हारा बी नेगेटिव क्यों है? सोच वाली बात है ना, तो लड़कियों में इस वजह से तुम लड़के हो, मैं अब मानो या ना मत मानो, लेकिन मेरे को बताना था तो मैंने बता दी, क्योंकि मैंने सोचा चलो अब इतना टाइम हो गया और पापा भी कह रहे थे कि यार इसे देख दाख के एक हफ्ते के अंदर इसकी शादी करके निकालो, बहुत परेशान करती है, सुबह उठती नहीं है, इसके भाव बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे बड़ी होती आ रही है चिल्लाती है मुझ पर, मैंने क्या सही है और क्या कुछ नहीं है, तुम मेरे से झूठ मत बोलो भाई। मैं झूठ क्यों बोलूंगा, अल्तमस के सामने की बात है भाई, कल जब तुम ट्यूशन पढ़ाने गई थी ना तब की बात थी, और क्या भाई, मुझे झूठ बोले कुछ मिलना थोड़ी है, या मेरे पैसे बन रहे हैं, सच बात है और क्या। अच्छा तुम ये वाली बात बताने के लिए लाए हो मुझे यहाँ पे, जब भी तो मैंने कहा कि यहाँ पर, अब वहाँ घर पे बताते हो दिक्कत हो जाती है ना, मैं तो अम्मी पापा से और पूछूंगा, अम्मी पापा, मैं पापा को मत बता देना, अम्मी पापा भाई दिक्कत हो जाएगी, अम्मी पापा ने मना कर रखा है कि पापा फिर मुझे घर से बाहर निकाल देंगे और कुछ नहीं, इस चीज का ध्यान रखना, तुम्हारे चक्कर में सबके सब पिटेंगे। मजाक कर रहे हो ना, मैं मजाक क्यों करूंगा यार, फालतू की बात कर रहे हो तुम, मुझे पता चल गया, मजाक कहाँ से करेंगे, मजाक क्यों करेंगे यार, पागल हो गए तुम्हें, मजाक क्यों करेंगे तुम, मजाक क्यों करेंगे तुम, खुद ही सोचो, इनको बतानी चाहिए था, वही मैं सोच रहा हूँ, घुटनों में होता है, घुटने के अंदर है, रुको जरा।
सबर करो। नो डाउट कुछ पता होता नहीं है, लड़कों का एरिया में होता है। हाँ जब तो लड़के यहाँ से यहाँ पहुँच जाते हैं, लड़कियाँ वहीं रह जाती हैं। और क्या ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना? देखो की बात मत मानना है, मानो नहीं मानना मत। हाँ, मैं नहीं मान रही भाई। देखना मैंने तो तुम तीनों को अपना सगा भाई माना है। भाई हमने तो नहीं मानना, हमें तो पता है ना, हम तो नहीं मानते भाई। तुम नहीं सोतेली बहन हो भाई, एडोप्ट की हुई हो, पता नहीं कहाँ से उठा के लाए थे, कहाँ से नहीं। जब कोई से भी कर्म नहीं मिलते तुमसे हमारे, जो बोलो उल्टा चिल्लाने लग जाती। थोड़ी सी बड़ी क्या हुई, हल्के से पन निकल गए, हमें सुनने के लिए मिलेगी अब। नहीं देखो ऐसा है, अब मैं सच, मैं मजाक क्यों करता, मैं पागल हूँ क्या? मैं मजाक करूँगा यहाँ पर बैठ करके? तुम भाई सुतेली बहन हो, अब तुम्हें जो करना है देख लो भाई, ढूंढो अपने माँ बापों को जा करके, कहाँ से लाए थे कहाँ से नहीं। बस पापा मम्मी से मत पूछना, वरना वो गुस्सा करेंगे मेरे ऊपर, मेरी पिटाई हो जाएगी घर पर। तुम भाई सुतेली बहन हो और बस यही है। लेकिन मैं तो अपने तीनों भाइयों का अपना, तो मेरे तीनों भाइयों और तो मेरे सगे भाइयों, मैं जानती हूँ तेरा और सगा मेरे, तुम मेरे भाई। तुम एडोप्ट क्यों हो किस बात के भाई? हम नहीं जानते भाई तुम्हें, तुमने एडोप्ट क्यों हो भाई? हमें तो ये रहेगा मन के अंदर भाई, कहाँ से सगी बहन सगी होती है, क्यों भाई है ना? अभी ये सुतेली है तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, है नहीं है भाई? देखो तुम मम्मी पापा से पूछना हो पूछो, बस हमारा नाम नहीं आना चाहिए कुछ भी। इतनी सारी मैंने तुम्हारी बातें मानी हैं तुम तीनों की, और तुम्हें पानी भी ला के दिया है अभी मैंने। पानी हम ला के दे देंगे, क्या दिक्कत है? दूध तो क्या हुआ भाई? देखो ऐसा है, तुम्हें जो करना करो, लेकिन बता दो तुम सुतेली भर दो, सुतेली भर दो, ठीक है? परेशान मत करो, यहाँ बस काम था। क्या भाई यार, देखो तुम हमारी सुतेली बहन हो तो हो, अब फालतू बकवास मत करो, काम करना, मुझे थोड़ी सी इनसे बात करनी है। जाओ हेलो। हाँ हाँ पापा, अच्छा रिश्ते वाला आ गया, इसे लेके आना है। मैंने बताया था ना, एक मिनट पापा, वो तो शादी होने वाली है तुम्हारी, रिश्ते वाला आए हैं, एक हफ्ते के अंदर तुम्हें निकालना है घर से। हाँ पापा लेकर के आ रहा हूँ मैं, चल चल लेके चल, चल लेके चल। हाँ पापा देखो ये सुन नहीं रही है। एक मिनट पापा, अरे गिर जाऊंगा भाई, गिर जाऊंगा आराम से। हाँ काट दिया। हाँ बोलो क्या दिक्कत है भाई? देखना तुम अब मेरे सगे भाई हो, मेरी शादी मत करवाओ। शादी मुझे भी शादी करके आगे पढ़ना है। हाँ तो पढ़ो ना, पढ़ना है शादी के बाद, पढ़ना भाई, वहाँ थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे। नहीं भाई हमने ठीक थोड़ी दिया है भाई, तुम सब जाओ रहेंगे अच्छी डील कर लेते हैं ना, ऐसा हो जाता है तो ठीक है। सुबह सुबह उठ करके हमारे बिस्तर तय करके रखने, सबके लिए उठने से पहले ही नाश्ता रेडी हो जाना चाहिए। ठीक है पक्का। सबके फोन सुबह सुबह फुल चार्ज मिलने चाहिए, तुम्हारी जिम्मेदारी, चाहे रात में उठ करके लगाओ या सुबह 5 बजे उठ करके, ठीक है? और शाम का खाना टाइम पे चाहिए, 1 घंटा पहले। ठीक है भाई, सुनती नहीं है, अम्मी चिल्लाती रहती है वहां से, उमंग उमंग फोन में लगी रहती है, आ रही हूँ 5 मिनट 10 मिनट। अब नहीं करूंगी, मेरे को जब रखती बुलाना पड़ता है। अब नहीं करूंगी भाई, देखियो अब नहीं करूंगी। और हमारे हाथ पैर भी जबान होंगे जब हम ऑफिस आएंगे। ठीक है चलो ठीक है, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, कान पकड़ के सॉरी। ठीक है, और ये बोलो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। वेल डन, वेल वेल डन। Right.
चुका सही करके। मजा आया विद नाक के चूहे के साथ। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, वीडियो में आग लगा देना और बता देना अगली बार क्या प्रैंक करें, ठीक है? कमेंट करना नीचे, ठीक है? तीनों की फोटो फॉलो कर लो।